श्री सत्यपाल मलिक का जन्म एक साधारण किसान परिवार में 24 जुलाई 1946 को गांव सिहावदा जिला बागपत पुराना मेरठ में हुआ। इनके पिता का नाम श्री बुद्ध सिंह जी व माता जी का नाम श्रीमती जगवीर कौर था। लगभग 1.5 वर्ष की आयु में इनके पिताजी का देहांत हो गया। अपने बाल्यकाल से ही आप पढ़ाई में बहुत अच्छे थे। स्कूल की पढ़ाई समाप्त करने के पश्चात उच्च शिक्षा के लिए मेरठ कॉलेज में प्रवेश लिया, जहां से इन्होंने बीएससी तथा एलएलबी पास की। मेरठ कॉलेज में आप छात्र संघ के लोकप्रिय अध्यक्ष रहे तथा इसके साथ आपकी प्रखर वक्ता के रूप में ख्याति रही। वाक्पटुता के कारण आपको वर्ल्ड स्पीकर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। जवान होने के पश्चात इनका विवाह श्रीमती इकबाल कौर मलिक प्रसिद्ध पर्यावरणविद से हुआ। इनके बेटे देव कबीर प्रसिद्ध ग्राफिक डिजाइनर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन से डिप्लोमा प्राप्त है। इनकी पुत्रवधु श्रीमती निविदा चंद्रा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की स्नातक रही है। श्री मलिक चौधरी चरण सिंह पूर्व प्रधानमंत्री के भी निकट रहे हैं। भारतीय क्रांति दल, लोकदल, जनता पार्टी, जनता दल से होते हुए भारतीय जनता पार्टी में उपाध्यक्ष बने। श्री सत्यपाल मलिक की अभिरुचि विधि विषयों, ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक विषयों का अध्ययन में है तथा संगीत, प्रकृति, फोटोग्राफी, पर्यावरण संरक्षण, कविता रचना में आपकी विशेष अभिरुचि है। इनके पूर्वज लगभग 250 वर्ष पूर्व अर्थात लगभग 10 पीढ़ी पहले गांव कलावड़ जिला रोहतक से जाकर उत्तर प्रदेश में बस गए थे। केंद्र में मंत्री रहने के अलावा आप बिहार, ओडिशा, जम्मू कश्मीर और गोवा राज्य के राज्यपाल रहे हैं। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल रहते हुए आपके कार्यकाल में धारा 370 तथा 35 ए हटाई गई थी। तब आपके सुप्रशासन के कारण आपकी भूरी भूरी प्रशंसा की गई। वहां पर किए अभिनय प्रयोगों से आपने इतिहास में एक अलग जगह बनाई है। आप राष्ट्र का गौरव हैं तथा हमें आप पर गर्व है। गाइस, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सर छोटू राम के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।